यार मैरीन के काम ब्लैक बबूली। आज मैं आपको दिखाती हूँ अपना विलेज जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये है हमारा विलेज, यहाँ से स्टार्ट होता है और अब हम जा रहे हैं कहीं, हमें कहीं जाना है किसी के घर पे, और दिखाऊंगी आगे व्लॉग में कि कहाँ हम जा रहे हैं। तो ये ब्यूटीफुल विलेज और वेदर बहुत अच्छा था, गर्मी हमारे यहाँ पे कुछ कम ही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं, और बाहर चले जाएँ घर से तो ज़रा फील नहीं होती। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी क्योंकि मैंने गाड़ी का शीशा वगैरह भी खोल दिया था, बाहर से बहुत अच्छी हवा आ रही थी। और ये देखिए, ये भी तो लोग ही हैं, इंसान ही होते हैं, इंसान हमेशा अपने से नीचे वो देखे हर वक्त अपने आप का ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा होता है ज़िंदगी में। खैर यहाँ पे हम जा रहे हैं जानवर वगैरह क्रॉस करके, और ये काफ़ी ज़्यादा जानवर थे हर जगह रोड पे। यहाँ आपको पंजाब में जब से मैं आई हूँ आप लोगों को ज़्यादा जानवर ही नज़र आएंगे क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, और सब इनको इस टाइम लेके जाते हैं इनको खाना शाना खिलाने के लिए, और जो भी चारा शारा ये लोग खाते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे जगह, एनीवेज अभी हम जा रहे हैं खोदे विलेज से, और ये यहाँ पे काफ़ी पुराने कदीम ज़माने से दरख्त हैं, और ये ना काटते हैं या ना ये ख़त्म होते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा अच्छा ये रोड लगता है। तो यहाँ पे अभी एक आए कि जैसे कराची में सी व्यू है, ये हमारा सी व्यू है छोटा सा। बहुत गंदा पानी है इसमें, तो बंदा करीब जा ही नहीं सकता। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है विलेज, और ये हमारा विलेज नहीं है, वैसे हम यहाँ से गुजर के जा रहे हैं और ये आ चुके हैं यहाँ पे मस्जिद। और ये देखें जी जी इस जनाब के काम देखें ज़रा, ये रास्ते में खड़ा हो गया जानवर और ना ही आगे जा रहे ना पीछे जा रहे, इसने हमें इतना तंग किया, कभी इस तरफ से आ जाता था कभी इस तरफ से। और ये हमारा आ गया दूसरा सी व्यू, और ये है यहाँ के विलेज के सी व्यू, विलेज में सी व्यू इसी तरह ही होते हैं। है यहाँ पे अब आपको भैंसें वगैरह नज़र आ रही होंगी, बहुत ही मोटी मोटी और हल्दी हल्दी माशाल्लाह से हैं, कुछ ही आगे चल रही थी कुछ ही पीछे चल रही थी, इन लोगों ने हमारा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था और ना ही हमें जाने दे रही थी और ना ही हमें रास्ता दे रही थी। तो काफ़ी देर लगी हमें भैंसों को क्रॉस करते करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्दी थी, इन बेचारियों से चला भी नहीं जा रहा था। घर आते ही नेल्स बेचारे टूट चुके हैं, हेयर अब ये टूटने ही हैं, और मेहंदी का कलर भी काफ़ी लाइट हो चुका है। तो चलते हैं, अभी तक हम भैंसों में ही फंसे हुए हैं, और ये मेरे दिल चाहते हैं मैं इनको मारूं पकड़ूं, लेकिन बहुत डर भी लगता है। खैर गाड़ी में थी तो इसलिए मुझे छेड़ रही थी, वैसे ना ये मेहंदी करीब भी नहीं जाती क्योंकि मुझे इनसे बहुत डर लगता है जानवरों से, और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो चलते हैं कज़न के घर पर, और ये बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, और जब भी हम आते जाते हैं तो यहाँ पर स्नान करते हुए जाते हैं। खैर अब पहुँचने वाले हम कज़न के घर पे, और आज कज़न के घर पे हमारी दावत है, काची से आने के बाद फर्स्ट दावत कज़न के घर पर। तो ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं कज़न के घर पे। फाइनली यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे कज़न आपस में, और कर रहे थे हम बातें शातें, और सोचा आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर करें, और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं खाने का और पेट पूजा का। और ये है कुछ बाहर का सीन, यहाँ पे मेरी कज़न्स वगैरह हंस रही हैं तो मैं चुप हो गई थी। एनीवेज इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और खाना शाना हो गया तैयार, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत भूखी बहुत लगी हुई, और ये कज़न जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बहुत शैतान हो गया है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे शैतान करता हो रहा है। खैर करते हैं खाना शुरू, जैसे कि किसी ने खानी है बिरयानी तो फ़ौरन आ जाए, वरना इससे पहले कि सारी मैं खा जाऊँ। और बिरयानी के मुझे वैसे आलू ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, मुझे इतना चिकन वगैरह नहीं मज़े के लगता। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बनाए थे राइस, और अब हो चुकी है नमाज़ का टाइम, तो यहाँ सब पढ़ रहे हैं नमाज़, मैं पढ़ चुकी थी। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कज़न का माशाल्लाह खूबसूरत सा घर, और ये है यहाँ पे ड्राइंग रूम, और वो सामने एक बेडरूम, और एक इस तरफ बेडरूम, और यहाँ पे ये मिलर जो है इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी क्योंकि मैंने और ये कज़न ने ख़ुद रेडी किया था, और यहाँ बैठ के हम इंजॉय कर रहे थे कज़न्स के साथ चाय। एक और मैडम आई तो वो मुझे तंग करोगी। वैसे मुझे इस कज़न के हाथ की चाय बहुत पसंद है, ये बहुत मज़े की चाय बनाती है, और ये भी मेरी दूसरी कज़न की तरह खुद पीती नहीं है और बनाती बहुत मज़े की है। यहाँ पे चाय इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ मस्ती कर रहे हैं सब। ये हमारा बदतमीज़ सा कज़न जो मुझे बहुत तंग करता है। दीदी दोबारा ही दो डायलॉग बोलो तो सही। अभी से बहुत शर्म आ रही है, अब बताएगा नहीं बिल्कुल भी।
जेदी कल की वीडियो में तुम आ जाओगे। जेदी थोड़ी चकवाली तो बोलो, मैं नहीं बोलती, तुम तो बोल दो। यहाँ कुछ देर पहले लोग मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और अब देखें मोबाइल में ऐसे गुमसुम है और यहाँ ये खेल रहा है पबजी, और पबजी में लड़के ऐसे गुमसुम हो जाते हैं जैसे कोई बंदा इनकी कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्लिप्स बना रहा है, इनको कोई होश ही नहीं होता। मगरिब का टाइम, मगरिब के बाद अब हम कर रहे हैं डिनर और नमाज़ वगैरह सब ने पढ़ ली। और डिनर में क्या बनाया, डिनर में बनाया स्पेगेटी, मज़ेदार सी स्पेगेटी। कैसे नहीं तैयार, यहाँ पे कलमा स्टार्ट हो चुका है स्पेगेटी से पहले। देखते मैरिन कितना खाती है। हम दो बंदे खा रहे हैं, एक नहीं है ना। हाँ जी, ये दो बंदे खा रहे हैं। यहाँ पे हो चुका है हमारा डिनर का टाइम और आज हम खा रहे हैं मज़ेदार सी स्पेगेटी जो कि मैरी दे दी। तुम बहुत बदतमीज हो, जैसे मुझे तंग करने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। तुम्हारी वीडियो बनाओ, अब बोलोगे ना, अब नहीं बोलोगे। ये मौलवी हमारे बीच में बैठे हुए यार, मैरीन के काम। ब्लैक बबूनी, ये ब्लैक बबूनी है, काली बबूनी मेरी छोटी बहन लग रही है, मेरी कोई बहन ही नहीं है। मैं नहीं है, तूने मेरी प्लेट में जान बुझ के डाली है ना। हाँ, नजर ना लगे इससे आपका अच्छा टेस्ट बढ़ेगा। इतनी गंदी होती है इसकी स्मेल, इतनी गंदी होती है। जिस प्लेट में आते हैं ना खाने का दिल नहीं करता, अब ये तुम खाओगे दीदी। बिरयानी बेचारी का एंड हो चुका है और यहाँ कुकर में कुछ बन रहा है और क्या बन रहा है ये मुझे नहीं पता। तो ये है कज़न का प्यारा सा किचन और यहाँ से विंडो ऐसे है जैसे होटल्स वगैरह, बहुत खतरनाक कुछ कर रहा है। तो यहाँ सचिन कह रहे हैं मेरा व्लॉग, आगे भी सब शेयर करेंगे अपने दिन भर की रूटीन और हम यहाँ पे जा रहे हैं कराची सी सर। यस, कराची सी वी यू जो कि आपको सारा सीनियर्स दिखाऊंगी और बताएंगी कैसा लगा आपको आज का व्लॉग और बहुत ही इंजॉय करने वाले और बहुत ही जबरदस्त था। इसके मत किसी को लास्ट की वीडियो लास्ट में देखना कि लास्ट टाइम मैं सब क्या। यहाँ पे सब कजन्स और हम लोग मिल के देख रहे हैं मेरा व्लॉग और इंजॉय कर रहे हैं हम लोग व्लॉग। करते हैं कज़न को अलविदा और जाते हैं अपने घर और काफ़ी लेट हो चुके हैं, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। यहाँ लोगों के बर्तन टूट रहे हैं। तो यहाँ पे कर रही हूँ कज़न को अल्लाह हाफिज़ और वो खड़े हैं भाई और मेरे घर वाले बाकी सब। काफ़ी रात हो चुकी है और यहाँ बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे हम जा रहे हैं घर, कम से कम हमें 20-15 मिनट्स लग जाएंगे। तो गाड़ी वगैरह में हो तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन रात का टाइम है तो काफ़ी टाइम लग भी जाता है क्योंकि अंधेरा होता है और जानवर वगैरह कुछ आगे ना आ जाए तो उनको भी बचाना होता है। खैर, चलते हैं गाँव में और शेयर करते हैं आपसे आज थोड़ा बहुत गांव का रास्ता भी। रात के टाइम मैं आप लोगों को बताती जाऊं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं रास्ते में क्योंकि काफ़ी डर लगता है अगर बाइक वगैरह पे हो तो अब तो बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि किसी का ख़तरा होता है आने जाने का। खैर, बस हम लोग खैर खैर से घर पहुँचे और keep you in my heart and my heart is where you are i still think so
फाइनली हम कई तरीके से घर पहुंच गए और आते हुए हम ले आए थे शवरमा वगैरह, और अभी खाते हैं शवरमा और मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। मेहमान अल्लाह। बाय द वे, शवरमा किस किस को पसंद है? ओके ओके, बाय बाय।